यार आप देख रहे हैं सुनिए सरकार, मैं अभिसार शर्मा। तो बिहार चुनावों में तमाम एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए, एक भी एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुआ। दोस्तों यही वजह है कि चुनावों को लेकर मैं कभी भी भविष्यवाणी नहीं करता, क्योंकि देखिए दिक्कत क्या है कि बेशक आप सभी विधानसभा सीटों में घूम लें और वहां पर हर विधानसभा सीटों में 50-50 लोगों से भी बात कर लेना, तब भी आप सभी लोगों से बात थोड़ी ना कर सकते हैं। बिहार में करीब 4 करोड़ वोटर्स थे, 4 करोड़ से ऊपर वोटर्स थे। अब लोगों की नब्ज जानने के लिए आपको कम से कम उन लोगों से तो बात करनी होगी। और यही नहीं, जरूरी नहीं कि जो शख्स आपको अपनी राय बतला रहा हो उसने वोट भी बिल्कुल इसी हिसाब से दिया हो। असदुद्दीन ओवैसी, कई लोग असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि साहब महागठबंधन का की जो हार हुई है वो असदुद्दीन ओवैसी से हार हुई है, क्योंकि सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें जीत ली और उससे नुकसान महागठबंधन को कम से कम 15 सीटों का हुआ। देखिए सबसे पहली बात मैं बता दूं, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। और ये बात भी मानिए, असदुद्दीन ओवैसी को यकीनन मुसलमानों ने वोट दिया, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं उन मुसलमानों ने क्यों वोट दिया ओवैसी को? क्योंकि उन्हें लगा कि बीजेपी का मुकाबला सही मायनों में ओवैसी कर सकते थे, जबकि वो जानते हैं कि ओवैसी खुद सरकार नहीं बनाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन करना पड़ेगा महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को, कि ये मुसलमान जो है वो ओवैसी की तरफ क्यों गया। क्या ये आपको नहीं सोचना चाहिए? ये अपने आप में बहुत ही वाहियात थ्योरी है कि ओवैसी की वजह से ये हार गए। ओवैसी एक राजनेता हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। 2015 में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, इस बार उन्हें सफलता मिली, क्योंकि ओवैसी लगातार कह रहे थे कि मैं पार्लियामेंट के अंदर राजद के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से लगातार बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि चलिए मिलकर चुनाव लड़ते हैं। यही नहीं, बिहार के अंदर भी जो उनके अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये बात ओवैसी न्यूज चैनल्स में लगातार कह रहे थे, वो लगातार संपर्क साध रहे थे कांग्रेस और राजद के नेताओं के साथ कि आइए मिलकर चुनाव लड़ते हैं। अब उनके इस बयान का खंडन किसी ने नहीं किया है। और मैं ये कहता हूं कि जब आप बिहार जैसा महत्वपूर्ण चुनाव लड़ रहे हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं साहब